हेलो फ्रेंड्स, साज बहु मसाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक हेल्दी डिश लेके आए हैं, बर्गर। बर्गर तो सभी ने खाया है, पर आज हम इसे कुछ हेल्दी वे में बना रहे हैं। जैसे कि आपने मेरी ऊपर की और रेसिपी में देखा होगा कि मैंने बर्गर बनाए हैं कुछ हेल्दी वे में, तो आज हम फिर से एक हेल्दी वे में बर्गर का लेके आए हैं, जो कि हमने पोहे से बनाए हैं विदाउट ब्रेड से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने ये 3 पोटैटो बॉईल करे हुए हैं, उसे हमने मैश कर लिया है। उतना ही हमने पोहा लिया है, जो कि पोहा हमने पहले ही साफ करके पानी में वॉश करके ले लिया है। 200 ग्राम करीब दही लिया है। अब हम इसमें आधा स्पून नमक, थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे, आधा स्पून चाट मसाला लेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा है। आप चाहें तो चाट मसाला डालें या नहीं डालें, वो आपके ऊपर है। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। देखिए, और हमने बाइंडिंग के लिए पोहा यूज़ किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। हमारा टिक्की का बेस रेडी हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे और इसे हम सेकेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने इतना बैटर बनाया, उससे हमारा इतनी सारी टिक्की बन गई। तो चलिए अब हम इसे सेकने का नंबर लगाते हैं। थोड़ा सा हम तवे पे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस कर लेंगे हम तवे को थोड़ा सा। अब हम टिक्की रखेंगे इस तरह से। चलिए, जब तक हमारी टिक्की सिक रही है, तब तक हम अपना बर्गर का बैटर बना लेते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बर्गर का बैटर बनाना। हमने ये 2 मिर्ची ली है, 1 अदरक, हम पोहे लेंगे, सूजी करीब 100 ग्राम हमने सूजी ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, काली मिर्च स्वाद अनुसार और स्वादी अनुसार हम नमक डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा करीब करीब 50 ग्राम दही डालेंगे। बस अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए, हमने ये पीस लिया है, पर अभी भी ये थोड़ा सा थिक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो देखिए, हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। हम इसे मिक्सी में और चलाएंगे, जिससे कि इसका फाइन पेस्ट बन जाए और जो हम अपना बर्गर का बर्गर बनाएंगे वो अच्छे बने। तो देखिए, हमारा ये कितना फाइन पेस्ट बन के आया है, देखने में लग रहा है ना। तो देखिए, गोल कितना अच्छा बना है और इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब हम इसे सेकने का नंबर लगाते हैं। एक तरफ जहाँ हमारी आलू टिक्की सिक रही है, वहीं हम इसका बर्गर का बर्गर बनाना शुरू करते हैं, जो कि हमने विदाउट ब्रेड से बना रहे हैं। तो चलिए, तो देखिए, हमारी बर्गर की टिक्की गोल्डन ब्राउन हो रही है धीरे धीरे करके। तो जब तक हम अपना बर्गर का बर्गर बना लेते हैं, तो पहले तवे पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे। फिर इस तरीके से वो राउंड राउंड शेप में कर लेंगे हम।
आप चाहें तो बड़ा छोटा जैसा आपकी मर्जी हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हमने इसमें ऑयल डाला है, आप चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो। देखिए हमने पलटा तो कितना अच्छा सिका। इसी तरीके से हम दूसरा पलटेंगे, दोनों तरफ से बिल्कुल हल्का हल्का सेक लेंगे। और जब तक हमारी टिक्की भी सिक के रेडी हो गई है, देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। मैंने इसे शैलो फ्राई किया है, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम इसे हेल्दी वर्जन में बना रहे हैं, कम ऑयल का सब कुछ। तो देखिए हमारे इस तरह हैं बर्गर के। अब इसे हम तवे से उतार लेंगे। देखिए अब हम इसे तवे से उतार लेंगे क्योंकि ये हमारे दोनों तरफ से सिक गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बर्गर बनाया है, उस पर हम बर्गर की अब इस पर आलू टिक्की रखेंगे हम। थोड़ी सी हम फिर से वो बर्गर की क्रीम लगाएंगे जो हमने अभी रेडी करी है। और आपने ये पहले भी देखा था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये किस तरह से बनेगी इसकी सॉस। इस पर हमने टमाटो रखा, अब हम केक रखेंगे उसके ऊपर भी इस तरह से लगा लेंगे बर्गर की सॉस को। तो देखिए रेडी है हमारा हेल्दी बर्गर जो कि हमने घर के कुछ ही सामानों से बनाया है। और इसे मैं सॉस के साथ सर्व करूंगी, आप चाहें तो चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निशिंग करूंगी। तो देखिए रेडी है हेल्दी बर्गर। आपने जैसे पहले मेरी और भी रेसिपीज देखी होंगी जिसमें हमने बर्गर तो बनाया है पर उसे भी हमने हेल्दी वे में बनाया है, तो आज हम फिर से वही हेल्दी बर्गर लेके आए हैं आपके लिए, जो ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए, 15 बच्चे हों या बड़े सबके लिए बन जाएगा 15 से 20 मिनट में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी जो कि मैंने एक हेल्दी वर्जन में बनाई है आपके बेबी या बड़ों सबको। तो चलिए बाय, अगली बार हम मिलते हैं फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ।